हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ स्मॉल सिलिंड्रिकल मैग्नेट दैट इज एम इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ थिन कॉइल ऑफ रेडियस ए कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्न्स। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। द एक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट इज इक्वल टू आर। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इफ इट्स रिमूवल फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट्स इन अ चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि एक स्मॉल मैग्नेट यहाँ पर रखा हुआ है, अगर आप देखें यहाँ पर, और सेट द सेंटर ऑफ दिस कॉइल। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं इस जो स्मॉल मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो पी एम है। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, दैट की कॉन्सेप्ट इज द की कॉन्सेप्ट इज ठीक है ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू एम एफ, ई इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। फाइव हमारा क्या है, फ्लक्स है, तो चेंजिंग फ्लक्स। ठीक है, डी फाइव बाई डी टी, ये हमारा फॉर्मुला होता है। ठीक, तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट भी होगा। अब इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल होता है आई इंटू आर इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक, तो आप इसको लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, यानी कि डेल्टा क्यू इंटू आर इज इक्वल टू एन डेल्टा फाइव। ठीक, अब क्या होता है यहां पर, इस तरह से ये इस तरह से मैग्नेटिक बीच में रखा है और इसकी दूरी यहां से मान लीजिए, हम यहां पर मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो यहां से ऐसे आ रहा है। तो ये जो कर रहा है सर्किल का फॉर्म कर रहा है, यहां पर सिलिंड्रिकल मैग्नेट जो है ये इट इज फॉर्मिंग अ सर्किल, सर्किल के अराउंड इस तरह से। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट पी इंटू एम डिवाइड बाई 2 पाई आर क्यूब। ये डेरिवेशन, ये डिराइव्ड वैल्यू है, ये आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो 2 पाई आर क्यूब, अब यहाँ पर इसका यूज है। अब आपको पता है फाइ क्या है, यहाँ पर फाइ इज इक्वल टू क्या है, फाइ इज इक्वल टू है यहाँ पर बी इंटू पाई ए स्क्वायर। बी की वैल्यू आपको पता है, बी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, सो बी इज इक्वल टू यहाँ पर है, अब देखें दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट पी एम, एम तो मतलब सफिक्स में लिखा हुआ है, 2 पाई, और यहां पर हो जाएगा ए क्यूब इंटू पाई ए स्क्वायर। सो पाई से पाई गया, ठीक है, और एक ए से एक ए चला गया, मतलब एक यहां पर एक ही बचा, ए स्क्वायर से एक ही बचा। सो आप यहां पर लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस ओवर हियर दैट कि फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट पी एम डिवाइड बाई 2 ए। ठीक, ये वैल्यू यहां पर आ गई। ठीक है, फर्दर चलते हैं, तो ये वैल्यू आ गई। अब आपको ये इनिशियल फाई, ठीक है, और फाइनल फाइनल फ्लक्स क्या होगा, एफ वाई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा क्यू आर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू आर इज इक्वल टू एन चेंज इन फ्लक्स जो हो जाएगा यहां पर वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट पी एम बाई 2 ए। सो यहां से पी एम यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट पी एम जो होगा यहां पर, पी एम की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2 क्यू आर ए डिवाइड बाई एन इंटू म्यू नॉट। ठीक, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये हमसे पूछा गया था कि फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट ये हमारा हो जाएगा इफ इट्स रिमूवल फ्रॉम द कॉइल रिजल्ट्स इन चार्ज क्यू फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सो दिस इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। सो मैग्नेटिक मूवमेंट को हम दिखाते हैं पी एम से, ये पी एम है। ठीक, सो दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।